नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। सिर्फ कमेंट्स इसलिए ज्यादा आ रहे हैं कि फायरमैन की वैकेंसी, जो डीएलवी की वैकेंसी, फायर ऑफिसर की वैकेंसी, एएफओ की, वो क्यों नहीं आ रही है। सब यही पूछते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। मैंने पहले भी आपसे कहा था और अभी भी आपसे कह रहा हूं, देखिए डीएलवी में भी जो हमारे अधिकारी लगे हुए हैं उनसे हमारी बात हो चुकी है, ठीक है। और ये राजस्थान भर्ती सिलेक्शन बोर्ड को निकालेगा इस बार, और देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय तक, सीएमओ तक वो नोटिफिकेशन पहुंच चुका है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया, और वहां से वो नोटिफिकेशन आपके कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान, जो भर्ती बोर्ड है, वहां तक पहुंच गया है। तो अब विज्ञप्ति जारी होना बाकी है। आपको पता है चारों तरफ बड़ी उथल पुथल मची हुई है, राजनीतिक उथल पुथल भी है, इस वजह से भी ये भर्ती लेट हो रही है। लेकिन अभी जुलाई चल रहा, अगस्त में ये विज्ञापन जारी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगस्त में विज्ञापन जारी हो जाएगा, आप डीमोटिवेट ना हो, कि बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, अब नहीं निकलेगी, हम मर जाएंगे तब निकलेगी, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो तैयारी आप करते रहिए, और आप ये मत सोचिए कि विज्ञापन नहीं आएगा। विज्ञापन आएगा और आप उसमें फॉर्म भी भरेंगे और आप उसमें ऑनलाइन परीक्षा भी देंगे और पास भी होंगे और आपकी नौकरी भी लगेगी, देखिए। लेकिन आप डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि आप डीमोटिवेट होंगे तो बहुत सारे भाई डीमोटिवेट होंगे, और डीमोटिवेट होने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को जारी रखिए। आपको समय मिल रहा है ना, जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो रहा तब तक आपको समय मिल रहा है। दूसरी बात, जिन भाइयों की एज निकल गई है उनके लिए मैं बता दूं कि सरकार ने पहले ही सोच लिया है कि इस बार जो एज बढ़ के आएगी, एक दो साल एज बढ़ के आएगी, क्योंकि कोरोना भी रहा है, कोरोना की वजह से इसमें एज बढ़ेगी और बहुत सारे विज्ञापन जो आ रहे हैं उन सब में बढ़कर आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है अगर विज्ञापन लेट होता है फायरमैन का, एएफओ का, तो जो हमारे जो पद निकलने वाले ना फायरमैन के, जो 600 के करीब हैं, तो वो बढ़ भी सकते हैं। एएफओ के पद हैं 14-15, ठीक है, कोई 18 बोलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें जो पद है वो बढ़ने के भी चांसेस है। इस वजह से भी ये भर्ती लेट हो रही है, विज्ञापन लेट हो रहा है, क्योंकि उस पर अभी इनकी मंत्रणा चल रही है और उसके बाद ही विज्ञापन जारी होगा। तो जुलाई निकल गया, अगस्त में जारी होने के पूरे पूरे चांस है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर अगर आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तीसरी लहर से, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ना, एग्जाम ही तो लेट होगा, तो एग्जाम लेट हो जाएगा तो आपको और भी समय मिलेगा। तीसरी लहर में आप घर बैठेंगे तो घर बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं, आपको तैयारी का मौका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप डीमोटिवेट ना हो, वैकेंसी आएगी और अगले महीने आने की वैकेंसी के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो आप अपनी तैयारी करें। क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट्स आए, इतने कमेंट्स आए कि मैं उन कमेंट्स का जवाब दे भी रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा कि आपके सारे कमेंट्स का जवाब एक वीडियो में दे दूं। तो आप सभी भाइयों को यही बोलना चाहूंगा कि आप तैयारी जारी रखें, डीमोटिवेट ना हो। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।